आज 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। राष्ट्रपति ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाता जागरूकता और शिक्षा के अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए आकाशवाणी को राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार दिया। पुरस्कार को आकाशवाणी समाचार प्रभाग की महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारा लोकतंत्र जैसे जैसे मजबूत हो रहा है वैसे वैसे भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ती जा रही है। यह हमारे लिए उल्लेखनीय है कि हमारे संसद में महिला सांसदों की संख्या 115 पहुंच गई है। हमारे संसद के इतिहास में पहली बार दोनों सदनों के मिलाकर महिला सांसदों की संख्या 100 के आंकड़ों को पार करते हुए 115 तक पहुंच गई है। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक हमारी बहनें और बेटियां सक्रिय योगदान दे रही हैं। उनकी सक्रियता और संख्या में और अधिक वृद्धि होनी चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दिव्यांगजनों, वयोवृद्ध मतदाताओं तथा ट्रांसजेंडर मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रयास की जा रही है।